उदाहरण देन लगा। एक सरदार नूं असीं याद करने जिहड़ी हरिमंदर साहब की इमारत हुण है, यह वह नहीं जिहड़ी गुरु अर्जुन देव दे वेले सी। आप नूं पता होना है जदों अबदाली आया उन्हें कुप्पे रख के इस इमारत नूं उड़ा दिता सी, ते इस इमारत नूं दोबारा बनाने लई सिख सरदारां विच्चों जो सिरकड नाम सी वह सरदार जस्सा सिंह आलोवालीए दा सी। आपनूं पता होना। तो यह जिहड़ी बिल्डिंग है यह मिस्त्री देश राज दी निगरानी विच बनी सी, ते मिस्त्री देश राज दा जिहड़ा पिंड है वह सुर सिंह है। आपां सुर सिंह बाबा बिधी चंद जी संतान जिथे रहिंदी। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपनूं इतिहास विच्चों तां दित्ती है कि साखी सुन के हर बंदा नाल तुर पैंदा। कई बार गुरबाणी का डूंगा विशा समझ नहीं पैंदा ते मन उकतान भी लग पैंदा कईआं दा। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आलोवालीए ने अपने तन ते लई चादर थले विछा दित्ती, लखां रुपये इकट्ठे होए, मिस्त्री देश राज नूं स्टैंप दित्ती गई, मोहर दित्ती गई खालसे दी कि जदों भी तैनूं पैसे की लोड़ होए, जंगा जुद्धां दा वेला सी, तुसीं किसी भी मिसल तो पैसा मंगा सकदे हो। मैं कहना किन्ना वड्डा इतबारी बंदा सी मिस्त्री देश राज, जिन्हों लखां रुपये संदूक भर के दे दिते, नाल स्टैंप दे दिती खालसे ने, ते तेरी स्टैंप ते जिन्ने भी पैसे मंगेगा तेनू दया दिते जाणगे, तू हरिमंदर साहब उस तरह की बनाना है। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, जदों मिस्त्री देश राज नूं सेवा मिली ये अपने घर गया, घर जा के कहिंदा अज खालसे ने मेरे ते भरोसा करके मैनूं बड़ी वड्डी सेवा दित्ती। मैं गुरु रामदास जी दे उस दरबार नूं दरबारा सेवा करनी है। अपनी बेटी ते अपनी घरवाली नूं कहिंदा है मैं तुहाडा मैनूं सहयोग चाहीदा। उहनां कहा दसो गल सुन वाली जे, कहन लगे लखां रुपये साडे कोल संगत दे ने पर रोटी आपां उहदे चों खावांगे जिहड़ी तुसीं दोवें मावां धीआं मजदूरी करके लियाओगी। याद रखियो उस बंदे दे घर रोटी, उहदी बेटी ते उहदी घरवाली मजदूरी करदी है, ते सेवा करन वाले दे कोल लखां रुपये खालसे पांदे ने। मैं तुहानूं इक बेनती करां, नीयत साफ होवे कौम अपने बच्चियां दे सिर भी दे दिंदी है, जदों नीयत भैड़ी हो जाए लोकी गोलकां भी लुट के लै जांदे।